कक्षा की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का पाठशाला का नाम शारदा विद्यालय हाई स्कूल है। आज मैं आपको हमारी भारत देश की पुरानी परंपरा मटका बनाने के बारे में बता रही हूँ। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति अत्यधिक प्राचीन है। हमारे भारत देश की संस्कृति में मटका बनाने के पद्धति बहुत प्राचीन बताई गई है। हमारे भारत देश में करोड़ों संख्या में कुम्हार है, वे मटका बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। हम कुम्हार कई आकार में मटका बनाते हैं। कुम्हार ने उन मटकों के ऊपर कलाकृति करते हैं। वे जिस क्षेत्र में या राज्य में रहते हैं उसकी आधार पर उन्हें कलाकृति करते हैं। हमारे भारत देश में चार तत्वों को अधिक महत्व दिया गया है। वे जल, वायु, धरती और अग्नि हैं। ये चार कला भी हमारे मटकों का कुम्हार के कलाओं के एक रूप है। कुम्हार ने पहली बार मटका कब, कहाँ और क्यों बनाया, इस बात को लेकर कई प्राचीन कथाएं प्रचलित हुई है। नमस्कार, बड़ंगपेट बालाजी नगर। मेरा नाम वी शैलजा, मैं 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरी स्कूल के नाम शारदा विद्यालय हाई स्कूल है। मैं मटका के बारे में बता रही हूँ। तेलंगाना राज्य में कुम्हार को शालीवाहन कहा जाता है। कुम्हार द्वारा बना हुआ विविध आकारों के पात्र विभिन्न कार्यों में उपयोग करते हैं। जैसे हिंदी संस्कृति परंपरा अनुसार सर्वप्रथम आने वाले उगादि है। उगादि के दिन हिंदू वासियों पचड़ी मनाते हैं। वे पचड़ी के लिए नई इमली और कटा हुआ कच्चा आम और खसखस, किशमिश, नमक, इमली और दाल के पचड़ी मनाते हैं। वे पचड़ी को मना के मटके में रखते हैं। मटके में रखने के मतलब वे पचड़ी बहुत ही स्वाद आती है। विविध कार्यों में विविध अलग अलग तरह एक मटकों का उपयोग है। मटके में रखे हुए पानी पिए तो बहुत ही ठंडा और व्यक्ति बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। కీర్తి ఎంత ఘనము ప్రతి ఇంటిలోన మనము, పాత్రలు నిరంతరము మరి వాడితేనే బలము, మరి వాడితేనే బలము, మరి వాడితేనే బలము, ఇంటింట వాడుదాము రో కుమ్మరోల కుండ, ఈ కుండలను కొని తిని ఉందాం ఆరోగ్యంగా, ఇంటింట వాడుదాము రో కుమ్మరోల కుండ, ఈ కుండలను కొని తిని ఉందాం ఆరోగ్యంగా, ఆ బ్రహ్మ కలను ఇచ్చే విష్ణువు చక్రమిచ్చే శంకరుని రూపమిచ్చే ఆ త్రిమూర్తులే మెచ్చే, అందుకే అట్టి మట్టి సృష్టి పుట్టుకొచ్చే, అందుకే అట్టి మట్టి సృష్టి పుట్టుకొచ్చే, వృత్తులల్లో వృత్తి కుమరన్న చేతి వృత్తి, ఈ భూమి పుట్టినప్పుడే పుట్టింది మట్టి వృత్తి, బ్రతికించినట్టి వృత్తిని బ్రతికిస్తే మనకు తృప్తి, బ్రతికించినట్టి వృత్తిని బ్రతికిస్తే మనకు తృప్తి, ఇంటింట వాడు దాముడో కుమ్మరోలకుండా, ఈ కుండలను కొని శక్తిని కుండ మనకు ఇచ్చింది, వంద ఏళ్ళు బ్రతుకుటకు కుండ మూలమయ్యింది, వంద ఏళ్ళు బ్రతుకుటకు కుండ మూలమయ్యింది, అట్టితోనే మనకు ఆ కుదులు చేసేటోడు, ఆ దేవి దేవతల రూపాలు తీసేటోడు, మనసున్న మంచివాడు మట్టిని నమ్మినోడు, మనసున్న మంచివాడు మట్టిని నమ్మినోడు, ఇంటింట వాడు దాములో కుమ్మరోల కుండ, ఈ కుండలను కొని తిని ఉందాం ఆరోగ్యం, కుల వృద్ధులన్నీ జీవ కలతో బ్రతికితేనే స్వర్గం, కుల వృద్ధులన్నీ జీవ కలతో బ్రతికితేనే స్వర్గం, వృత్తి జీవులంతా ఇక బద్దగించకుండా ఆ కుమ్మ
తప్పకుండా తిందాము కడుపు నిండా ఉందాము తప్పకుండా తిందాము కడుపు నిండా వృత్తి జీవులంతా ఇక బద్దగించకుండా ఆ కుమ్మరోళ్ళ కండా ఉందాము వారి కుండా ఉందాము తప్పకుండా తిందాము కడుపు నిండా ఉందాము తప్పకుండా తిందాము కడుపు నిండా వాడుదాము కుమ్మరోళ్ళ కుండా ఈ గుండలందుకొని తిని ఉందాము ఆరోగ్యంగా असलामुअलैकुम नाज़रीन, 99 टीवी में आपका खैरमकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। आज मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसी मोहतरमा यहाँ पर मौजूद है कि जो ख़ास तौर से दिल्ली से यहाँ पर आई है हैदराबाद तेलंगाना में शारदा विद्यालय में और तेलंगाना में ऐसी बच्चों के साथ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप सुनकर परेशान हो जाएंगे, जिनका नाम है विशाखा मैडम, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। तो हम कुछ सवाल करेंगे जो ख़ास तौर से दिल्ली से हैदराबाद आकर जो सलम एरिया स्कूल्स में जाकर ये मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, ये बहुत बड़ी बात है। आजकल के दौर में ऐसी मेहनत करना नामुमकिन है। तो हम आपको जो है हैदराबाद में तेलंगाना में और आपका वेलकम करते हैं कि जो आपने जो है इतना बेड़ा उठाया है, इतना मतलब जुस्तजू है आप में, ये बहुत बड़ी बात है मैडम। आपका जो है 99 में भी वेलकम करते हैं। नमस्कार आदिल जी, धन्यवाद। और मैं 99 टीवी को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छे से एक चैनल बनाया है जिसमें एजुकेशन रिलेटेड इतने अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जी। और हमारा जो ये प्रोग्राम है जो शारदा विद्यालय स्कूल में हो रहा है, ये प्रोग्राम एक बहुत ही अनोखा प्रोग्राम है क्योंकि मैडम ये बताइए माइंड वाटरिंग क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, मतलब पीछे कोर्स एनजीओ क्या है, इसके बारे में बताइए पहले। ये एक्चुअली एक कंपनी है जो मिसेस अंजना सोमानी ने दिल्ली में स्टार्ट किया है। मिसेस अंजना सोमानी हमारी डायरेक्टर हैं और क्राफ्ट के पूरी दुनिया में उन्होंने पिछले 30 साल में देश के हर कॉर्नर में बहुत काम किया हुआ है। उनका मन है कि जहाँ तक हो सके कि हर एक को क्राफ्ट का एक अवेयरनेस मिलना चाहिए, जिससे
क्राफ्ट की पहचान होनी चाहिए, क्राफ्ट की जानकारी होनी चाहिए, ताकि आज का जो हेरिटेज है, आज का जो कल्चर है, वो ताकि आगे बढ़ता रहे। तो इसलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स हमने डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं जी, ये प्रोग्राम में हमने क्राफ्ट के बारे में भी हम बच्चों को सिखा रहे हैं, साथ में हम फिल्म मेकिंग के बारे में भी बच्चों को सिखा रहे हैं। क्योंकि हमको ये भी लगता है कि आज के बच्चे जो हैं उनको एक ऐसा मीडियम चाहिए जो कि वो खुद उसको पहचान सके, जिसके साथ वो जुड़ सके। तो आज टेक्नोलॉजी एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि बच्चे बहुत खुशी से जुड़ जाते हैं। तो जब हम बच्चों को क्राफ्ट के बारे में बताते हैं और फिर हम उनको बोलते हैं कि आपको इसके बारे में फिल्म बनानी है, तो उसके बारे में उनके सीखने की और जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जैसे शारदा स्कूल में हमने लाख बैंगल, जो हैदराबाद का बहुत फेमस है, उसके बारे में और पॉटरी के बारे में बताया। तो बच्चों को हम कुम्हार के पास ले गए। अब वहाँ पे जाके बच्चे जब उनको शूट कर रहे थे कुम्हार को, तब इतने बच्चों ने कहा कि हमने पहले तो पॉट्स हर जगह दिखते हैं, हम खरीदते हैं, हमारे घर पे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था कि इतना टाइम लगता है बनाने में। तो उनमें एक अलग से उसकी तरफ उनका, आपने म्यूजिक भी देखा, उन्होंने म्यूजिक तक बना डाला है। तो विंकी जी और संजय जी ने जो ये पूरा मॉडल बनाया है सिखाने का, वो बच्चों को और प्रोत्साहन किया कि उन्होंने क्राफ्ट को एक अलग नजरिए से। अच्छा मैडम, ये बताइए आप खास तौर से दिल्ली से यहाँ पर तेलंगाना में जो आए हैं, इस प्रोजेक्ट पर आए हैं? जी फिलहाल हम इसी प्रोजेक्ट पर आए हैं, लेकिन हम जो 2020 फरवरी में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल और बहुत ही अनोखा फेस्टिवल लेके आ रहे हैं, क्राफ्ट स्टोरीज अंडर द मैंगो ट्री। उसमें हम अलग अलग तरह से क्राफ्ट के बारे में हैदराबाद के लोगों को दिखाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हैदराबाद हमारा हर साल ये फेस्टिवल के लिए एक एनुअल डेस्टिनेशन बन जाए, जिससे कि बाहर के लोग भी हैदराबाद आए। जिस तरह से आज हैदराबाद जाना चाहता है टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो ट्रेडिशन टू टेक्नोलॉजी एक हैदराबाद डेस्टिनेशन बन जाए, ये हमारा फ्यूचर विजन। आप लोग जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, कितने दिन का ये जो है क्लासेस होते हैं, कितने घंटे लेते हैं, उसके बारे में? जी ये 10 दिन का पूरा प्रोग्राम है और दिन में 2 घंटे हर स्कूल का होता है। क्योंकि उससे ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे भी अपना एकेडमिक्स बिगाड़े। हालांकि हम जैसे शारदा विद्यालय में आए, जहाँ पे कि हमें बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ के टीचर्स, यहाँ का मैनेजमेंट, मतलब एक अंडर प्रिविलेज स्कूल में इस तरह से उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहन दिया। मतलब यहाँ तक कि जब हम, क्योंकि हम दिल्ली से आए थे, इन लोगों ने पॉटर ढूंढने में, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि बच्चों का सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, इनको लगा कि इससे बच्चों को बहुत कुछ आगे सीखने को मिलेगा। तो इन्होंने हर तरह से हमें वो सपोर्ट किया, और हम चाहते हैं कि आगे भी हम काफ़ी स्कूल्स में जाए, सिर्फ सिटी में ना रहे बल्कि गाँव में जाए, गाँव में जहाँ पे क्राफ्ट बनता है उन बच्चों को भी जाके ये सिखाए, ताकि वो फ्यूचर में अपने क्राफ्ट को भी आगे बढ़ा सकें। मैडम अभी आपके साथ कितनी टीम है, कितने मेंबर आए दिल्ली से, और जो आगे फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसके बारे में? अभी हमारे टीम में मैंगो ट्री से अंजना जी और मैं आई थी, हम दोनों ने मिलकर बच्चों को क्राफ्ट के बारे में सिखाया। और जो फिल्म मेकिंग का टीम है उसमें विंकी सिंह जी, संजय सिंह जी और देवर भंडारी एंड सौरभ, वो 4 लोग आए थे। उन लोगों ने पूरे तरह से स्क्रिप्ट लिखने से लेके कैमरा, साउंड रिकॉर्डिंग, रिसर्च, ये सब बच्चों को पूरा सिखाया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपसे मिलकर काफ़ी बहुत खुशी हुई कि जो आपने बहुत अच्छा काम कर रहे, अपने जो है एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पर हैदराबाद में आके, अपना पूरा वक्त जो है स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नाइन टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू सो मच। और एक शख्सियत यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ जिनका नाम है वेंकी सिंह, जो है एक दिल्ली से ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोजेक्ट लेकर आए, एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी खुशी की बात है, हम उनका भी और आपका भी जो वेलकम करते हैं हैदराबाद में, शुक्रिया कि जो है आपने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट लेकर आए हैं बच्चों में, एक जो है एक अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मैडम ये बताइए आप क्या करने वाले हैं हैदराबाद में, कितने दिन से यहाँ पर आए और जो है कितने लोग आए वहाँ से? जी ये कॉन्सेप्ट है डिजिटल इंटरफेस मीडिया और टेलीविजन प्रोजेक्शन का।
ये हम लोग पैन इंडिया प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज है ज़्यादातर. डिजिटल इंटरफेस मीडिया का मतलब है कि आज हमारा जो भारत जिस लेवल पे है वो डिजिटल इंटरफेस मीडिया हो चुका है. सब कुछ मर्ज हो चुका है. डिजिटल सिग्नल्स हमारे एक ज़माना था कि टेलीविज़न अलग था, डिजिटल सिग्नल्स कंप्यूटर्स के सिग्नल्स. बच्चों को हमें ये पहलू से उजागर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी तो उनके पास आ गई लेकिन हम उनको बताए नहीं कि किस तरह से आप इस टेक्नोलॉजी को क्रिएटिवली यूज़ कर सकते हैं. तो एक छोटी सी पहल है हम लोगों की जो हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं पूरे भारत में. एक नया पहल ये है कि इसमें बच्चों को बहुत ही क्रिएटिवली उनके जैसे इस तरफ इस वर्कशॉप की बात करें मैंगो ट्री के साथ कि ये क्राफ्ट्स में बहुत काम कर रहे हैं. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं, बातचीत हुई तो हमको लगा कि दो चीज़ों को हमें मर्ज करना चाहिए. हम क्यों ना वर्कशॉप इस तरह से करें कि बच्चे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वैसे तो पहले एनवायरनमेंट के ऊपर रेडिएशन हमारे इर्द गिर्द कितनी है इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने एनवायरनमेंट रिलेटेड सोशल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनाए, पर क्राफ्ट की ये पहले वर्कशॉप है कि क्राफ्ट हमने डिजिटल इंटरफेस से मर्ज किया. तो इसमें जो हम कर रहे हैं कि बच्चों को हमने इनकरेज किया पहले दिन से कि आप क्राफ्ट के ऊपर एक सब्जेक्ट लाएं, जैसे पॉटरी है, लाख बैंगल मेकिंग है. तो हम लोग खुद गए बच्चों के साथ, बच्चों ने फिल्म किया खुद. पहले उन्हें वर्कशॉप में टेक्निक और टेक्नोलॉजी से हमने इंट्रोड्यूस करवाया और उसके बाद उनको हम लेकर गए कि आप खुद करें. जब तक बच्चा खुद नहीं करता है तब तक उसको उस लेवल पे हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेवल जो बहुत ज़रूरी है. संजय जी हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं तो खुद से बच्चों को कैमरा दे दिया गया कि आप खुद अब एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे आप ये स्टोरी बनाएंगे. और उसके बीच में हमने कुछ ऑर्गेनिक साउंड जो हमारी पहली पहल है इस वर्कशॉप की डिजिटल इंटरफेस मीडिया की, बच्चे खुद से अपने क्राफ्ट से रिलेटेड साउंड्स को इंट्रोड्यूस करें और बनाएं. मतलब ये पहली पहल है जिसमें बच्चे वर्कशॉप में अपने साउंड खुद बना रहे हैं. जैसे आपने देखा शायद अभी पॉटर है तो पॉटर पॉट्स को लेके एक ब्यूटीफुल रिदम वर्कआउट किया गया और फिर तेलुगु में सॉन्ग्स उसके लेकर आए, माइथोलॉजिकल स्टोरी से कनेक्ट किया गया. तो एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस निकल कर आया जो एक होलिस्टिक प्रोसेस है जिसमें उन्होंने कैमरा भी खुद किया, साउंड किया, ऑर्गेनिक साउंड से अवगत हुए किस तरह से नई चीज़ें बनती हैं, किस तरह से हम क्रिएट करते हैं और डॉक्यूमेंट्री को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश रही. तो ये हमने कुछ चीज़ें अभी शुरू की और बहुत खूबसूरत 10 दिन से हम लोग यहाँ हैं और बहुत ही खूबसूरत बच्चों का जो हमें स्पेशली लगा कि उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके खुद गए बाजार्स में, खुद वहाँ पे लैक बैंगल का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस जो है एक एक चीज़ खुद बहुत माइन्यूटली उन्होंने कवर की. वाटर के गांव में गए, उनका प्रोसेस देखा किस तरह से वो मट्टी को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उसको सीव करते हैं, किस तरह से फिर पॉट बनता है, वो ब्लास्ट में जाता है. तो ये पूरे प्रोसेसेस को कवर किया. आप लोग कितने दिन में ये लोग को ट्रेनिंग देंगे? आप लोग फिलहाल 10 दिन की है ट्रेनिंग. ये एक बेसिक वर्कशॉप है कि बच्चों को हम ओरिएंट करें थोड़ी सेंसिटिविटी के ऊपर, विजुअल और ऑडियो सेंसिटिविटी, थोड़ी उनके बेसिक ओरिएंटेशन हो जाए. उसके बाद एडवांस लेवल की वर्कशॉप्स अभी प्लान हो रही हैं सबके साथ. हमें सबको लगा कि बहुत ही आउटपुट उसकी अच्छी आ रही है तो हम क्यों ना इनके लिए एडवांस लेवल की वर्कशॉप्स भी वर्कआउट करें. तो और लोगों की ज़रूरत है जो जुड़ सकें और स्कूल्स आए आगे, हम लोग इकट्ठे बड़ी वर्कशॉप्स कर सकें. यही हम लोगों की आइडियोलॉजी रही है बिगिनिंग से कि और लोगों को भी जोड़ा जाए इसमें. क्या आप लोग के फ्यूचर प्लानिंग है और कौन से स्कूल कहाँ कहाँ पर जाने का प्लान है आप लोगों का? तेलंगाना में काफ़ी स्कूल्स में क्राफ्ट का इनिशिएशन है तो हम लोग वही वर्कआउट कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक एक करके और डिस्ट्रिक्ट्स में और दूर दराज विलेजेस में जहाँ टेक्निक और टेक्नोलॉजी नहीं जाती. तो ये पहला एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का है कि मिनी स्टूडियो को बच्चों के डोर स्टेप्स पर लेके जाया जाए. दैट मीन्स आप जो टेक्नोलॉजी सिटीज़ में बड़े शहरों में बच्चों को उपलब्ध हैं वो आप उनके गाँव में उनके डोर स्टेप्स पर लेके जाएँ ताकि कई बार बच्चे बाहर नहीं आ पाते, पेरेंट्स नहीं कर पाते. तो क्यों ना हम टेक्नोलॉजी और मिनी स्टूडियो को वहीं ले जाएं ताकि उनको हर चीज़ उनके घर के पास उनकी अपनी लोकेलिटी में मिले और वो आराम से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकें. हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, खुद से विलेज में इतनी खूबसूरत ऑर्गेनिक साउंड्स हैं उसकी तरफ जाएं, एस्थेटिक सीखें विजुअल्स के और बच्चों को एक नया कंस्ट्रक्टिव मोड दिया जाए डिजिटल मीडिया का जो हम लोगों की यू नो पहल रही है कि बच्चों को क्रिएटिव एस्थेटिक से इंट्रोड्यूस करवाया जाए. एक बार वो ट्यून हो जाएंगे फिर लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहता है.
सर आप बताइए इसके बारे में थोड़ा सा आपका इंट्रोड्यूस दीजिए। इंट्रोड्यूस, मेरा नाम संजय सिंह है, जो कि मैडम ने बताया, मैडम ने सब कुछ अपने उसमें इंट्रोड्यूस बोल दिया, लेकिन मैं कहूँगा बच्चों को दे लर्न एंड प्ले। जी अच्छा मैडम, ये बताइए कि जो है यहाँ के बच्चों से कितना रिस्पॉन्स आया? ये तो हम दोनों मानेंगे कि बच्चों ने हमें बहुत अच्छा, बहुत हम लोग सरप्राइज्ड है और बहुत इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग कि बच्चों में इतनी अवेयरनेस है। सिर्फ इतनी सी जरूरत है कि कोई आकर उनको इंट्रोड्यूस कर दे नई टेक्नोलॉजी से और टेक्नोलॉजी उनको दे जाए कि ये टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है। आप उसके बाद रिजल्ट्स देख रहे हैं, मैं तो चाहूँगी मेरी स्टूडियो में आएँ आप और उनके जो वो कर रहे हैं उसको आप लोग स्टडी करें कि किस लेवल पे, और बच्चों से बातचीत कीजिए ताकि हमें सबको आइडिया हो कि बच्चे कितना उससे लाभान्वित हुए हैं और किस तरह से हम उनको आगे ले जा सकते हैं। ये तो हमने बहुत देखा कि बच्चे बहुत इनकरेजिंग थे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।